फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी हिंदी की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है समास। समास क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। अगर आपके सिलेबस में हिंदी है तो यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं, समास क्या होता है? तो समास शब्दों के निर्माण की विधि है। समास क्या होता है, यह शब्दों के निर्माण की विधि है। तो स्टार्ट करते हैं हम परिभाषा से। इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों के, सॉरी, शब्दों के समूह से जब कोई नया शब्द बने तो वह तो उसे समास कहते हैं। क्या है परिभाषा? दो या दो से अधिक शब्दों के समूह से जब कोई नया शब्द बने तो उसे समास कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे नोट कीजिए, दो या दो से अधिक शब्दों के समूह। अगर वर्णों का समूह आता है तो वहाँ पे संधि होता है, और शब्दों के समूह से जब बनता है नया शब्द तो वहाँ समास होता है। तो समास क्या है, कैसे है, इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो कुछ शब्दों के बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे। समस्त, समस्त पद, पूर्व पद, नेक्स्ट उत्तर पद, उत्तर पद और समास विग्रह। तो ये क्या होते हैं, ये 4 शब्दों के बारे में हम जानेंगे। ये क्या होता है, समस्त पद क्या होता है, समास विधि से बना नया शब्द। समास विधि से, समास विधि से बना नया शब्द ये क्या कहलाता है, समास पद, सॉरी समस्त पद। समास विधि से बना नया शब्द क्या कहलाता है, समस्त पद। पूर्व पद क्या होता है, पहला पद, जो पहला पद होता है, पहला पद वह कहलाता है पूर्व पद। उत्तर पद क्या होता है, दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। और समास विग्रह क्या होता है, समस्त पद का विस्तृत रूप, समस्त पद का विस्तृत रूप क्या कहलाता है, समास विग्रह, समस्त पद का विस्तृत रूप। तो समास विग्रह क्या होता है, समस्त पद का विस्तृत रूप क्या कहलाता है, समास विग्रह। हम सब समझ गए कि ये समस्त पद क्या होता है, समास विधि से बना नया शब्द। पूर्व पद क्या होता है, पहला पद जो होता है वो पूर्व पद होता है, दूसरा पद जो होता है वो उत्तर पद होता है, और समास विग्रह क्या होता है, समस्त पद का विस्तृत रूप ही समास विग्रह कहलाता है। तो आप समझ गए हैं, समस्त पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे समास के प्रकार की, समास कितने प्रकार के होते हैं।
बात करेंगे समास के प्रकार। तो समास कितने प्रकार के हैं? समास 6 प्रकार के हैं। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, समास कितने प्रकार के हैं, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया रहता है 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, 8 प्रकार के। तो समास कितने प्रकार के हैं? समास 6 प्रकार के। अब इसके बारे में जानेंगे 6 प्रकार ये कौन कौन से हैं। तो पहला प्रकार है अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास। दूसरा क्या होता है? दूसरा कौन सा है? द्वंद्व समास दूसरा है। अभी एक एक हम क्लियर करेंगे। दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है बहुव्रीही समास। तीसरा कौन सा है? बहुव्रीही समास। चौथा है तत्पुरुष समास। पांचवा है द्विगु समास। छठा हमारा है कर्मधारय समास। कर्म धारय समास मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। तो कितने प्रकार के हैं यहाँ हमारे समास? 6 प्रकार के। अव्यय भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीही समास, द्विगु समास और 6 नंबर कर्मधारय समास। तो अव्यय भाव समास में क्या होता है? पूर्व पद इसमें अव्यय होता है। पूर्व पद अव्यय होता है मीन्स इसमें पूर्व पद जो होता है इसका पहचानने का ट्रिक क्या है? पूर्व पद अव्यय होता है कोई, अव्यय मीन्स उपसर्ग होता है वो। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे प्रतिदिन हो गया, प्रतिदिन, आगमन, आजीविका। तो इसमें प्रति क्या है? ये पूर्व पद आपका क्या है? ये उपसर्ग है। ये पहचानने का ट्रिक है। पूर्व पद क्या है आपका? प्रति। ये क्या है? ये उपसर्ग हो गया। पूर्व पद आपका अव्यय हो गया, तो ये उपसर्ग हो गया। ये आपका कौन सा हो गया समास? यहाँ पे अव्यय भाव। ये पहचानने की ट्रिक है। तो प्रतिदिन में क्या है? ये प्रतिदिन अव्यय भाव समास है। एक और देखिए, आजीवन। तो इसमें आ क्या है आपका? ये उपसर्ग है। ये उपसर्ग जोड़ा गया है। ये जीवन है, इसमें आ आपका उपसर्ग जोड़ा गया है। तो ये आपका अव्यय भाव समास हो गया। नेक्स्ट देखिए, द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में ये विलोम होता है। इसमें 2 शब्द होते हैं और दोनों शब्द एक दूसरे के या तो विलोम होंगे या तो पूरक होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक वो संयोजक चिन्ह भी आता है, लेकिन इसमें शब्द आपके या तो विलोम होंगे या तो पूरक होंगे। एग्जाम्पल जैसे माता पिता, भाई बहन, दिन रात या रात दिन। तो ये कैसे शब्द हो गए? ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए या फिर पूरक। तो यहाँ पे क्या होता है? द्वंद्व समास।
याद रखिए आप, बहुव्रीही समास। तो बहुव्रीही समास में क्या होता है, सॉरी, बहुव्रीही समास, बहुव्रीही समास इसमें दोनों पद क्या होते हैं, इसमें दोनों पद गौण होते हैं। दोनों पद गौण होते हैं, एक दूसरे शब्द, दोनों पद इसमें क्या होते हैं, गौण होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे घनश्याम हो गया और ये दोनों पद गौण होते हैं, एक दूसरे शब्द का निर्माण करते हैं। ये शब्द क्या, दूसरे शब्द का निर्माण करते हैं। ये दोनों शब्द देखिए, घन, घन मीन्स बादल, श्याम मीन्स काला, तो घनश्याम, घनश्याम हो गया, ये दूसरे शब्द का निर्माण करते हैं। मीन्स घनश्याम कौन हो गया, श्याम जी, कृष्ण जी, तो कृष्ण जी के बारे में कहा गया है घनश्याम, तो ये तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ बहुव्रीही समास हो गया। नेक्स्ट तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास यहाँ देखते हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है, पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद इसमें प्रधान होता है। पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे राजकुमार, 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 और एक आपका हो गया जैसे युद्ध, युद्ध क्षेत्र। राजकुमार मीन्स राजा का कुमार, राजा का पुत्र, तो इसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। युद्ध क्षेत्र मीन्स युद्ध का क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र मीन्स युद्ध का क्षेत्र, तो इसमें कारक चिन्ह का क्या होता है, लोप हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट द्विगु समास, द्विगु समास की पहचानने की एक सिंपल सी ट्रिक है, इसमें प्रथम पद जो होता है, पहला पद आपका संख्यावाचक होता है। क्या होता है, पहला पद होता है जो आपका संख्यावाचक होता है, तिराहा, सॉरी, तिराहा, चौराहा, या फिर दशानन। तो तिराहा क्या हो गया, तीन राह, तीन रास्तों को जोड़ने वाला तिराहा, और चौराहा, चार रास्ते जहां जुड़ते हैं वहां पे चौराहा, दशानन, दशानन मीन्स दस हो आनंद जिसके, दस हो सिर, सिर जिसके, तो यहाँ क्या, किसकी, रावण की बात की गई है। तो ये क्या हो गया, दस, पहला शब्द क्या है, संख्यावाचक, सब में है, तिराहा में भी चौराहा में भी, तो जहाँ पहला पद आप देखिए संख्यावाचक, तो वहाँ आपका द्विगु समास। नेक्स्ट है आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास क्या होता है, पूर्व पद विशेषण होता है इसमें और दूसरा पद विशेष्य होता है, जैसे एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा नील कमल, नील कमल मीन्स नीला है कमल, जो नीला है कमल जो, तो ये हो गया नील कमल। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है चंद्रमुख, चांद के समान मुख, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हो गया कर्मधारय समास। इसके आगे कल हम क्लियर करेंगे सबकी जो है परिभाषा और सबको अलग अलग से बताएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।